ये समझ लेना कि कुछ भी संयुक्त है, मेहरबानी करके ये जो मैं बातें कह रहा हूँ आपसे, ये बड़ी ऊंची नहीं है। एक बार आप मैं की यात्रा छोड़ेंगे तो भीतर महसूस करेंगे कि हाँ यार, ये देखो 100 रुपया मैंने अपने बच्चे पे खर्चा करा और ये 3 जनों पे 100 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, तो वहाँ खुशी 10 मिली और यहाँ खुशी 300 मिली, तो इस 10 रुपये पे, इस 100 रुपये पे उनका दाना लिखा था कुदरत ने, मैंने गलत खिला दिया इसको, बस गलत ही खिला दिया। अगर आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है और दूसरे का ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो उसका खाना है। अगर एक कपड़ा है मेरे पे सद रहा तो ठीक, नहीं सद रहा तो जिस पे सद रहा उसका है। बस दाने पे नाम लिखा है, संयुक्तता का कंप्यूटर जग जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इस दाने पे इसका नाम लिखा है, हम गलत दाना खिला रहे, कुदरत की मार से रहे, जीवन बर्बाद हो रहा है। आपके पक्षपात से, आपके स्वार्थ से, आपके मैं मेरे से, ये मेला बच्चा करने से आपका जीवन नहीं बन रहा है। बच्चे की योग्यता देखो, संबंध योग्यता के, संबंध गुणों के, अब उसमें गुण ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कबीर, इस संयुक्तता का एहसास करना मैं आपको चाहता हूं कि जिनको महान कहते हो कितनी संयुक्तता में जीते थे। कबीर चादर बुनते थे, दिन भर मेहनत करते थे, 10-20 रोज में एक चादर बुना थी, घर में खाने के पैसे नहीं, 2 दिन में एक बार खाना बने, लुई परेशान, लड़का कमाल परेशान, सब्जी खाने को न मिले महीने भर तक, इतनी गरीबी, और महाराज चादर बुने तो किसी को भी दे दे, चादर बुने और किसी को भी दे दे, फिर वो बोले कितने पैसे, तो कबीर बोले काहे के पैसे हैं, ये धागा भगवान का, बुनने वाला भगवान, पहनने वाला भगवान, भगवान भगवान से क्या ले और किसको दे। बेचारे भूल ही जाए कि घर पे खाने के पैसे नहीं है। आप उस आदमी की मस्ती की कल्पना करें, और फिर यही कबीर दूसरी तरफ भी संयुक्तता मानते थे। एक बार उनका लड़का कमाल बड़ा क्रोध में आ गया, बोले पिताजी आप ये करते क्या, चादर दे देते, तू भगवान मैं भगवान करके हैं, फिर घर पे कोई भजन सुनने आता और गलती से थोड़ी दाल बनती तो आप कहते प्रभु जी खा के जाओ, और हमारा क्या, बोले हम प्रभु जी नहीं। अरे कबीर बोले भूल जाता हूं यार, कल से किसी को खाने के लिए कहूं तो मुझे कहना, लेकिन कबीर और कृष्ण के वचनों की कीमत क्या। फिर भक्त लोग आ गए तो कबीर बोले प्रभु जी के लिए कुछ बना हो तो लाओ, अब वो लुई गुस्से में आए, लेकिन कबीर को कहां दिखे गुस्सा, उनको तो प्रभु दिखे, खाओ कमाल। और लुई एक दिन बड़े गुस्से में आ गए और कमाल ने बोला आज तो फैसला हो ही जाए, तो कबीर बोले मैं भी चाहता हूं आज फैसला हो ही जाए, बोल क्या करें। कमाल बोले अब तो एक ही उपाय है, जाके चोरी करें, क्योंकि आपके धंधे में कुछ मिलता नहीं और आप बांट देते तो जाओ कहीं बड़ी चोरी कराते, समस्या समाप्त। तो कबीर ने यूं सर खुजाया और बोले यार कमाल तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तुमने आइडिया पहले क्यों नहीं दिया। कमाल तो चौंक गया, अरे बोले कबीर चोरी के लिए राजी, तो बोले दाल में कुछ काला है, ये मेरी फिल्म उतार रहे हैं तो मैं भी उनका लड़का हूं छोड़ूंगा नहीं। तो कमाल ने कह दिया रात को 11 बजे रेडी रहना, हम निकलेंगे यहां से और बड़ी चोरी करके आएंगे। तो कबीर तो 10 बजे से उत्साह में कमाल को 11 बजे, अरे कमाल देखे बड़े उत्साह में महाराज चोरी करने के, यार ये मामला क्या है, बोले 10:30 बजे 11 बजे 11 बजे दोनों निकले, टप 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 निकल गए गांव के थोड़ी दूर, तो एक बड़ा गोडाउन देखा, अनाज से भरा था। तो कबीर ने बोला ये गोडाउन ठीक है, यहां से 4-6 बोरी उड़ा ले जाते हैं। कमाल बोले चलो ठीक है, कमाल को अभी भी विश्वास नहीं कि चोरी करने आए हैं। कमाल भी जिद्दी था, वो तो चढ़ गया ऊपर और फट 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 5-6 बोरी ऊपर से नीचे फेंक दी और बोले चलो उठाओ। उसको लगे अब कबीर मना करेंगे, कबीर बोले फट से उठा ली 2 बोरी ऊपर,
और बोले चलो, फिर कभी ने अचानक बोरी नीचे रख दी। अरे बोले ऐसे कैसे, जरा तू मालिक को उठा के कह कि हम उसकी बोरियां उठा के ले जा रहे हैं। कमाल बोले ये क्या बात हुई। तो बोले क्यों, अरे हमको जरूरत है, राम को जरूरत है, भगवान को जरूरत है, भगवान की जरूरत है, अनाज भगवान है, भगवान के पास ज्यादा पड़ा है, उसमें चोरी क्या, छिपाना क्या, हम ले जा रहे, ये हमारा अधिकार है। तो समझ लेना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आपको दोनों तरफ अधिकार देता। अगर आपकी योग्यता है, अगर कृष्ण के पास योग्यता है तो दिल खोल के कुछ भी कर लेंगे। कृष्ण की योग्यता है, कबीर की योग्यता है, देने में भी लेने में भी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप गलत दाना खाओ मत, गलत दाना दो मत। इतना आसान नहीं है, मानता हूं पहली बार में, लेकिन इस तरफ आप निगाह फेराएंगे, जीवन का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना कम आप कुदरत से झगड़ा करेंगे, जितना कम कुदरत की इच्छा को मारेंगे और जितना कुदरत के साथ चलेंगे, उसके साथ एक रास खेलेंगे, उसके साथ बैठ जाएंगे, आज भी अभी भी आप कभी भी कुछ भी हो सकते, ये क्षमता हमारे भीतर है। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग एक, भाग दो और भाग तीन के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग चार, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलता पूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग पांच, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग छे, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था, क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूँ का चौथा, पांचवा और अंतिम छठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं, जैसे आत्मा क्या है, भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है, आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है, साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसका उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।